सही न वा भोक्तापने के भाव से निकलो पर यह होत ना हम जान्यो और तहां रहत अरुझानो और फिर आवे भी नहीं है मेरे पास ऐसे सूरदास जी कह है तब वो अपन विवश भई गोपी भूल्यो सब तन ज्ञानो कैसे सूरदास विवश भई गोपी भूल्यो सब तन ज्ञानो तो बाकी जो भोक्तापन है वो या तरीको को भोक्तापन नहीं क्योंकि वाके पास अभिमान की कोई फैक्टर नहीं है काय को अभिमान करे कौन पे अभिमान करे भोग को मैं याकू भोगू तो वाको मुको अभिमान हो सके ना वो तो कोई को भोग ही नहीं है वो तो आत्माराम है सो ये वाके भोग की श्री है ये वाके भोग की शोभा है महेश्वर है महेश्वर का मतलब कंट्रोलर है ये वाको ये देख ऐश्वर्य हो गया है वाको शो कर दीजिए ऐश्वर्य है ये अंतरात्मा को भी अंतर तमात्मा कर दे क्योंकि अंतरात्मा तो अपनी आत्मा है और वह आत्मा के भी भीतर अंतर तमात्मा वो है या अर्थ में वो परमेश्वर है जो भगवान गीता में कह रहे हैं उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः ये वाक्य छह गुण जो वाक्य प्रकट हुए हैं परमात्मा होने के कारण ग्राफ याद कर लीजिए कि परमात्मा होने के कारण वहां में ये छह गुण प्रकट हुए हैं और ये छह गुण प्रकट होते ही वाकु भगवान बनाते हैं स्वाभाविक षट गुणवान वो ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य वगैरह छह गुणन सु गुणवान वो भगवान हो जाए है और वह भगवान सैव भगवान कदाचित जगत उद्धारार्थम अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत सन कृष्ण इत्युच्यते यो महाप्रभु जी कहे कि वही भगवान जो ब्रह्म है जामे सारे भावाद्वैत की जो पूर्ण स्थिति है वह भावाद्वैत की पूर्ण स्थिति में वो परमात्मा बने हैं सृष्टि बना के क्योंकि तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत वह को सृजन करके और फिर वहां में वो प्रविष्ट भयो जब प्रविष्ट भयो तब वो ग्राफ याद कर लीजिए सृष्टि करके और फिर वहां में प्रविष्ट भयो वो अपन ने चार डॉट में और सब में दिखाया है ग्राफ को याद करोगे तो ध्यान रखो तो वो नहीं क्लिक करके ला सकते तो ला दे सब देखो तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत ये जो है वो यहां पाछे प्रविष्ट हो गया जैसे या सर्कल में ये परमात्मा के रूप में प्रविष्ट भयो मेजर सर्कल में ऐसे मिनी सर्कल में भी पाछो परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो गयो तो प्रविष्ट हो गयो करके वो परमात्मा भयो प्रविष्ट नहीं भयो तब क्या तो ब्रह्मी है तो ये तो ब्रह्म तो पर जब यहां में प्रविष्ट भयो सृजन की प्रक्रिया सु तब वो परमात्मा भयो और वह परमात्मा ने क्योंकि अपने छह गुण निभाए हैं उपदृष्टा अनुमंता च प्रवेश करने के बाद वो कौन से मूड में प्रविष्ट भयो है वासु भगवान खुलासा करे कि उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो प्रविष्ट होने के बाद मैं ये फंक्शन निभाऊं उन फंक्शन को निभाने के कारण फिर वो भगवान बन जाए है या खूबसूरती को देखो कि भगवान कैसे बने परमात्मा ब्रह्म कैसे बने हैं परमात्मा ये अपन ने देखे कि ये ब्रह्म है ये ब्रह्म जो है वो सृष्टि को पुरुष को पैदा करे पुरुष को पैदा करे प्रकृति को पैदा करे जीव को पैदा करे और वहां में प्रविष्ट हुए या तरह से प्रविष्ट होने के कारण वो परमात्मा हुए और परमात्मा होने के बाद वो कौन से तरह के अपने छह फंक्शन निभावे है उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो करके वो वाकु फिर धीरे सु भगवान बना दे अब लिया पहले वो भगवान की अपन ने यहां दिखाया है ना ग्राफ में भी तो भगवान दिखाया है देखो सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं यहां ये पुरुषोत्तम ये भगवान दिखाया ऊपर तो वो भगवान जो है
वो भगवान जो है देखो यहाँ भी प्रविष्ट दिख रहे अपने को, आई ना समझ में। तो वो जो है परमात्मा वकुप धीरे सु या रिलेशन को निभाने के कारण भगवान बना है। अब ऊपर नीचे लिया बोले तो वो वाकु भगवान बना है, वो ही भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़े बिना महाप्रभु जी कहे अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत सन श्री कृष्ण इत्युच्यते। वो कृष्ण दो तरह से आविर्भूत हुए है, एक लीला के लिए आविर्भूत हुए जो द्वापर में आविर्भूत हुए हो, और एक तुम्हारी सेवा के लिए आविर्भूत हुए जो तुम्हारे घर में आविर्भूत हुए है। वो जरूरी नहीं है कि हवेली में ही आविर्भूत हो सके, हवेली में आविर्भूत यदि धंधा की रंच चलाई नहीं जाती हो, यदि प्रसंग एग्जीबिशन के तौर पर नहीं चलाई जाती हो, तो हवेली में भी आविर्भूत हो सके, बाबू कोई बंधन नहीं है। पर जब अपन बाबू काम से चला रहे हैं, भक्ति से नहीं चला रहे हैं, सेवा भाव से नहीं चला रहे हैं, तो अपन बाबू रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे करके वो प्रकट हो रहे है, पर स्वर प्रकट नहीं हो रहे है, रंजकता प्रकट हो रही है कि ओ हो केसर के हिंडोला आज अपन भोग के, वो जयंत काक ने कही है कि केटला वो पीपड़ा जेवा तो मोनथाल नी चाकियो अने माटला जेवा बूंदी ना लाड़वाओ, ये सब राग प्रकट हो रहे है, भक्ति नहीं प्रकट हो रही है। तो यह बात को समझो कि ये सेवार्थ आविर्भूत भी हो सके है और लीलार्थ भी आविर्भूत हो सके है, ये याकू अपन के स्व के रिफरेंस में अपन अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पर बाकी शर्त एक ही है, यदि ब्रह्म के तरह अनुभव करना हो तो ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, यदि परमात्मा के तरह अनुभव करना हो तो शरणागति होनी चाहिए, यदि भगवान के तरह अनुभव करना हो तो भक्ति होनी चाहिए, यदि कृष्ण के तरह अनुभव करना हो तो ब्रजवालिन को भाव होना चाहिए, यदि अपने सेवी प्रभु के तरह अनुभव करना हो तो अपने में सेवक को अनुष्ठान प्रकट होना चाहिए। जब वक्त सेवक को अनुष्ठान को तुमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कियो और वो तुरंत वहां तुमको अनुभव होने लगेगा, सुर की तरह, स्वर की तरह, केवल थ्योरी की तरह नहीं। अब दूसरा ला ज्ञान, ये तो मैंने सिर्फ पुष्टि मार्ग के संदर्भ में बात बताई, तो माइंड एक के जो धर्म दशक धर्म है और कर्म ज्ञान भक्ति है, पंच पर्वा विद्या के भी जो पर्व हैं, वो सब भी यहाँ वही तरह से एप्लीकेबल होंगे, जहां जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे। वो स्व जब अपन भावाद्वैत को अपने में अनुभव कर रहे हैं, ये सारो भावाद्वैत को पिक्चर है, तो अब यहां द्वैत को पिक्चर आ रहे हो, वह भावाद्वैत को जो पार्ट है अपन ने वो ब्रह्म के पार्ट में सु जीव को पार्ट को एनलार्ज करके देखा था ना, वो एनलार्ज को जो नीचे सर्कल है तो वाकु याद करो, तो वो जो पुष्टि जीव है वो देखो कि ब्रह्म के कॉरेस्पॉन्डिंग वहां में चिदंश बन जाए, चिदंश बन जाए है मतलब क्या कि वो तत्वतः समर्पित है। अरे तुमको समर्पण करने की जरूरत ही नहीं है, एक बात ध्यान समझो कि तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा हार्ट है, तुम्हारे भीतर जो तुम्हारी किडनी है, तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा लंग्स है, तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा ब्रेन है, वो तुमको समर्पित है कि नहीं? आपको कोई हाथ में तुलसी दल लेके समर्पण की जरूरत पड़े कि हजारन बरस तुम्हें भूल गए तो कि मैं तुम्हारा ब्रेन हूं, अब मुझको समझ में आई, अब महाराज मैं तुम्हारा ब्रेन हूं, अब मेरे पे दया करो। अरे वो तो है ही समर्पित, किडनी को ऐसे तुलसी दल हाथ में लेके कहेगी कि मैं भूल गई थी हजारन साल सुखे मैं तुम्हारा ऐसा किडनी हूँ, अब मुझको याद ही आई, डॉक्टर ने समझाई कि किडनी हो, तब फिर वो तुलसी दल हाथ में लेके आयो कि मैं तुमको समर्पित। अरे किडनी तो समर्पित ही है क्योंकि पार्ट ऑफ द बॉडी है, ऐसे चिदंश के एंगल से देखो तो वो तो पार्ट ऑफ द ब्रह्म है, वो बाय डिफॉल्ट समर्पित है, हमें समर्पण की क्रिया की कोई जरूरत नहीं है, या अर्थ में वो आंसुआ है। आई बात समझ? ये जो समर्पण है वो वाके लिए नहीं है, आंसुआ का मतलब के जहां में कोई पर्पस नहीं हो, ओरसुआ माने दूसरे के लिए जो हो, फ्रेंच वर्ड है आंसुआ,
नासवा मतलब कि वो कोई प्रयोजन से नहीं समर्पित है, बिना ही कोई प्रयोजन के समर्पित है, खुद भी कहा है मां, खुद को भी सवाल कहा रहे हो। मैंने किडनी और ब्रेन और हार्ट और ये सब ये तो बताया कि हार्ट तुमको या लिए समर्पित है खुद के लिए, कि हार्ट को कुछ तुम्हारे के प्रति समर्पित होने से हार्ट को लाभ हो रहे हो, किडनी तुमको या लिए समर्पित है कि तुमको समर्पण नहीं करेगी तो वो ऐसे आसुरी कही जाएगी और तुमको समर्पित कर दो तो देवी कही जाएगी। अरे देवी आसुरी जितने भी जीव है सब ब्रह्म को तो समर्पित ही है, समर्पित ही है और समर्पित ही है, ब्रह्म को असमर्पित कुछ हो ही नहीं सके। बात आ रही है समझ में, भावाद्वैत में समझा रहे हो याद रखियो बाय नेचर अपन समर्पित है, ये अपने समर्पण को भावाद्वैत है, जो हर ब्रह्म की कोई भी क्रियाकलाप वो चाहे राक्षस हो रावण हो कि चाहे सीता हो कि चाहे लक्ष्मण हो कि चाहे हनुमान हो कि अपने ठाकुर जी को बलराम हो कैसे सुबल सुदामा हो कि गोपिकाएं हो कि अपन हो, सब समर्पित ही हैं, इक्वली समर्पित है, भावाद्वैत है, वहां में कोई जात को डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। कंस भी समर्पित है, नंदा और यशोदा भी समर्पित है, सुबल सुदामा भी समर्पित है और अघासुर बकासुर भी ब्रह्म को तो समर्पित ही है, असमर्पित कुछ नहीं है ब्रह्म को। पर ये बात ब्रह्म के एंगल से है, ये बात परमात्मा के एंगल से नहीं है, क्योंकि जैसे ही परमात्मा आयो वाके कॉरेस्पोंडेंस में जीव क्या बन जाएगा, जीवात्मा। अब वो अपना सर नहीं याद कर लीजिए ग्राफ, जीवात्मा बन गयो तो वो उपदृष्ट है, अनुमत है, कर्म भोग कर अनुमत है काय के लिए, दर्शन कर्म और भोग के लिए, क्या देखनो बाकी छूट अपने को वासु मिल रही है, क्या करनो बाकी छूट वासु अपने को मिल रही है, क्या भोगनो बाकी भी छूट माने अपने को दे रखी है, कि जो देखनो ऐसे देखो, सेंसर्ड देखो अनसेंसर्ड देखो, ब्लैक में टिकट लेके देखो सो अलियांस फ्रांसे की टिकट लेके देखो, जो देखनो है सब देखो, आयम ख्याल में दर्शन की छूट मिल रही है, जो करनो है सब करो, मारनो है मारो, जीनो है जियो, दान देनो है दान दो, धर्म करनो है धर्म करो, अधर्म करनो है अधर्म करो, जो तुम करो बाकी सब तुमको छूट है, तो और भोग की भी छूट है, तुमको सुखी होना है सुखी हो, दुखी होना दुखी हो, कौन कौन की पंचायत है यहाँ, हू केयर्स, सब तरह की छूट है। तो कर्म अनुमत है काय के लिए, दर्शन कर्म और भोग के लिए। अब अपन को भय कि अच्छा इतनी छूट मिल गई फिर तो संज्ञा भय कुतवाद अत्यार काय का, अरे वाने वृत्ति को छूट दी है, ये कैसी फैक्ट्री है देखो, कि नौकर को सब लिबर्टी है, लिबर्टी मिली आके तुम नौकर नहीं हो ऐसी पाची बात नहीं है, वृत्ति तो हो ही बात है। अब अपन कहें फिर वृत्ति क्या, जब इतनी लिबर्टी है तो कौन से अर्थ में अपन वृत्ति पे, अरे भाई तुमको पता भी नहीं चले को कौन सा काम तुमसे कैसे ले रहे हो, मैंने यही लिए गधा की और ऐसे कुत्ता के और गाय के और भैंस के उदाहरण दिए कि वो अपने नौकर है उनको पता भी नहीं चलेगा उनसे क्या काम ले रहे हैं, सर्कस के शेर के और वो हिप्पोपोटामस के वो बेचारा पाँव 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 करके सर्कस में घूम ले, पता नहीं है कि क्या काम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, पर्पस क्या है, जो आप ले लो रिंग मास्टर की ले ले काम, बस वाकु पता है क्यों लिए जा रहे हो, खास करके हाथी दौड़ा है ना सर्कस के लिए, फदड़ 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 देखो तो वहां अपने को अनइजीनेस समझ में आवे को दौड़ने में उतने छोटे से रिंग में कितनी तकलीफ हो है। क्या पता है कि क्यों तुम ये सब काम बस करा रहे हो, ऐसे जीव को पता नहीं चले कि कौन सा काम भगवान अपने से क्यों करा रहे हो है, वार्थ में अपन वृत्य। देखो एकदम सरलता से समझ में आ जाएगी, ये सेठियां जो है इंडस्ट्रियलिस्ट ये बड़े घाघ हो है, इनकम टैक्स वाले ऑफिसर इनको फोड़ के रखे, रेड
रेड आने वाली है ना, तो नीचे के जो उनके और के सब हुए ना, वो पहले ही बता देंगे रेड आने वाली है। और जो रेड डालने वाले हैं ना पाछे, वो क्या करें, तो रेड करने वाले ऑफिसर को नीचे के ऑफिसर को बताने नहीं कि आज कहां रेड होने वाली है, तो बतावे कैसे, वो टॉप सीक्रेट में दिल्ली सुहा में पाछे, और अचानक आके यहाँ कह के चलो वहां, तो बाय द टाइम उनको इन्फॉर्मेशन दे वहां पे पहले तो वहां पहुंच जाने को है, तो समय पर उनको पता नहीं हो कि कहां जा रहे हैं, वह जा स्पॉट पे जावे तब जाके उनको बताया जाए कि यार क्या रेट है आज। ऐसे अपन जो है वृद्ध है, अपने को पता नहीं चल रहा है कि अपने से क्या करवाया जा रहे हो, कर्ण को मरवाया जा रहे हो है कि भीष्म को मरवाया जा रहे हो है कि द्रोण को मरवाया जा रहे हो है कि दुर्योधन को मरवाया जा रहे हो है कि अश्वत्थामा को मरवाया जाए, कौन कुमार कुछ पता नहीं है, तीर लेकर बैठे हुए रथी बन के सब, हाँ हम रथी हैं। अब सारथी तो वो है ना, जहां रथ को चला के ले जाए वहां तो तीर छुड़वा दे रहे हो तुम्हारे, सारथी तो वो है। तो वाह सेंस में अपन वृत्त हैं, वाह सेंस में अपन वाक्य मने प्रभु अपनो आनंद ले रहे है, आत्माराम होते भय भी वो अपने को एक ऐसी डिग्निटी दे रहे है कि नहीं अब मैं तेरो आनंद लूंगा, विषय को आनंद नहीं पर विषय के भोक्ता को आनंद लूंगा, वार्थ में प्रभु अपने को भोग्य मान रहे है। और महेशितव्य, क्योंकि महेश्वरा कहो तो वाक्य कॉरेस्पॉन्डिंग वैसे तो महेशितव्य हो गए, और ऐसा फांका मुझ पे रखना बेकार है कि पुष्टि मार्गी सब महेशितव्य है, सभी वाक्य महेशितव्य है, क्योंकि अपने को पता हो कि क्या काम लेना है तो अपन ये फांका रख सके कि अपन महेशितव्य, वो अपने से क्या काम लेना चाह रहे हो है वो तो अपने को पता है नहीं, पर कम से कम अपने को पता हो कि नहीं पता हो, तो महाप्रभु जी की कंठी बधाई है तो अपने में वो भाव होना चाहिए कि रिझे राबड़ी थकी गरीब लोग रे, भोगी ने न भावे हमें तो राज ना खासा खावा, मुक्ति मन ना आवे रे, अपन महेशितव्य, दूर कोई हो कि नहीं हो हमको ये पता होनी चाहिए कि हम महेशितव्य। महेशितव्य का मतलब क्या कि जो भी वाके ईशितव्य है, जो वाके सब्जेक्ट है उनमें हम कोई सुपीरियर है, रिझे राबड़ी थकी गरीब लोग रे, भोगी ने न भावे रे, हमें तो राज ना खासा खवास। आजकल खासा का मतलब अपरस के साथ जुड़ गया है, पुराने जमाने में खासा का मतलब भी अपरस नहीं होता, खासा का मतलब जो खास होए, स्पेशल जो होए वाकु खास कहते थे, दीवाने खास जमे स्पेशल लोगन के साथ जो है सो शहंशाह बैठतो सबके साथ, दीवाने आम मने यहां सबके साथ कॉमनली बैठतो, तो अपन जो है वो खासा खवास है। खासा खवास का मतलब क्या कि खास है, अब दूसरे खास है कि नहीं अपने को क्या पंचायत, अपने को अपना आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ठाकुर जी को खासा खवास हूं, मुक्ति मन ना आवे रे। अच्छा मुक्ति मन ना आवे चलिए मनोरथी के जो है सब 10 रुपट्टा और 5 रुपट्टा और 1000 रुपया या 56 लोग के अपने को पसंद आने चाहिए राज के खासा खवास हो के, कैसा खासा खवास है, तो वो बात ध्यान समझो। और अपरात्मा है अपन, इतनो सब होने के बावजूद ऐसे नहीं है कि भगवान अपने से कोई टोटली डिफरेंट होए और अपन भगवान से कोई टोटली डिफरेंट होए, वो अपनी आत्मा है अपन वाके शरीर के जैसे है, जैसे या शरीर में अपनी आत्मा है ऐसे अपन वा परमात्मा के शरीर रूप है, तो अपर आत्मा है परमात्मा नहीं है। यहां तक अब ये वदाश्रित नहीं है तदाश्रित है, यहां तक जब तुम देखोगे यहां तक तो तत्वता समर्पित है, तो पर यहां आके जो समर्पण को स्वरूप भयो है वो तत्वतः के बजाय मार्जारी शावक न्याय सु आश्रय भयो है। बिल्ली को बच्चा को बिल्ली क्या करे, मुंह में दबा के और या छपरा पे सुआ छपरा पे कूदे, बच्चा के करने धरने को कुछ भी नहीं हो, वाकू जहां पहुंचा न हो बच्चा को
बिल्ली जहां सेफ समझे कि मेरे बच्चा को यहां रखना मेरे सेफ है, वो बिल्ली अपने बच्चा को वहां ले जाके मुंह में दबावे। मुंह में भी कैसे दबावे कि न तो वहां में दांत गड़े और न वो छूट के गिर पड़े। वह सिफत से बिल्ली मुंह में दबा के अपने बच्चा को जहां प्लेस करना हो वहां प्लेस कर ही आवे जाके। वह न्यायसु अपन आश्रित है प्रभु के। आयो जब ये रिलेशन देखो तो समझ में आ जाए इनको कि मार्जारी न्यायसु अपन भगवत आश्रित है, पर अपन को स्व जो है एक ये स्व है, एक ये स्व है, एक ये स्व है भगवत आश्रित होने को, परमात्मा आश्रित होने को। वाके बाद एक भगवत आश्रित होने को अपन भगवत अंगीकृत है पुष्टि जीव। अब मैं पुष्टि जीव की बात कर रहे हैं तो ऐसे मत समझियो कि ये क्वालिटी दूसरे जीवन में नहीं है, ये ब्रह्मणा मत पालियो मन में। पर दूसरे जीव की अपन विवेचना अभी कर नहीं रहे हैं, अपन जा वर राजा की बारात में गाय जा रहे हैं, वह वर राजा के गीत गा रहे हैं। मूल यह बात को समझियो, ये बात तो सभी जगह लागू होगी। अपन अभी पुष्टि जीव की बारात के बाराती हैं, सो पुष्टि जीव के गीत गा रहे हैं, मर्यादा जीव के या प्रवाही जीव के नहीं गा रहे हैं। करके पुष्टि जीव जो है वो भगवान के द्वारा अंगीकृत भी है पुष्टि जीवत्व नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते ते न लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। वाने अपनो वरण कियो है ऐसे पुष्टि जीव, वो वरण कियो है, पर वरण कौन को कियो है? जामे ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य जो है वो अनित्य है और औपाधिक है। अपन टोटली ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य से रहित हो ऐसी बात नहीं है। अनित्य ऐश्वर्य, अनित्य ज्ञान, अनित्य वीर, अनित्य यश, अनित्य श्री, अनित्य वैराग्य, ये सब अपने में है। और ये अनित्य भी पाछो स्वाभाविक नहीं होके औपाधिक है। औपाधिक को मतलब क्या कि अपने बलबूते पे नहीं है पर कोई दूसरे के बलबूते पे अपने में आ रहे हो। जैसे अपनो ऐश्वर्य, बड़ो ऐश्वर्य अपनी पत्नी पे, अपनी बच्चा पे, अपने नौकर पे, अपनो ऐश्वर्य है। पर कब वो ऐश्वर्य है कि तुम्हारी पत्नी तुमको पति मानती हो तो एक दिन वाने खड़े होके कह दी, कह रहे जा तारे घेर खत्म ऐश्वर्य। ना ना वो पति जा रहे, पति चल तारे घेर भेजना, फिर कहां गए ऐश्वर्य पति होने। अपन के भाई पति है, पाती थी पति, अगर तारी परवाह नहीं हमना कोर्ट में जाऊं सब पति तो खत्म। टाइम टाइम पर फुगा फूट जाए बच्चान पे अपना ऐश्वर्य। कितनी देर को ऐश्वर्य कि जब तक बच्चा ने अपने सामने रिवोल्ट नहीं कियो तब तक अपने में पिता पने को भारी ऐश्वर्य। थोड़ा रिवोल्ट कर दियो, दो लाफा ही मारते तो सब पिता पने निकल जाए, फुगा फूट जाए पिता पने। ऐसे अपने मन में मालिक होने को, पिता होने को, कई कई तरह के ऐश्वर्य अपने में है। और वो ऐश्वर्य पाछे औपाधिक है, कोई माने तो अपने में ऐश्वर्य प्रकट हो जाए। क्या तुम मान रहे हो ना, तुम मूर्खतावश मानते हो कि हम पुरुषोत्तम है, तुरंत हमारे में ऐश्वर्य प्रकट हो जाए। थोड़े तुम खड़े होके कह दो कि ना ना बात खोटी छे, सिद्धांत छे, तुमने शाम पंथ लगी गये लगे ऐश्वर्य खत्म। ऐश्वर्य को पौरुषोत्तम ऐश्वर्य को फुगा फूट जाए तो ये लाचारी है अपने ऐश्वर्य की। कि अपने एक तो अनित्य है ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य, ज्ञान भी अपनो है वो चार पांच छह दस पंद्रह पुस्तक पढ़ ली, बड़ो ज्ञान आ गयो, बड़ो ज्ञान आ गयो ना, थोड़ो बुढ़ापा आयो कि नहीं पढ़ी भाई सब पुस्तक पाछी भुला जाए। तो अपन को याद रह जाए कि मोटा विद्वान छे। हमारे गुरु जी बताते थे एक बहुत बड़े पंडित एक दिन जो है वो हमारे गुरु जी जब विद्यार्थी थे तो उनके घर के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा ए छोरा यहाँ आओ। क्या संध्या को वो मंत्र याद है उपस्थान को?
इंसल्टिंग फील पे, क्योंकि बहुत अच्छे विद्वान थे गुरु जी, उनको इंसल्टिंग फील होती कि आपको याद है क्या नहीं। अरे बोले यही तो भूल गए, या नहीं पूछ रहे हो, बैठ गए हो संध्या के बेर उपस्थान भूल गए। बुढ़ापा में तकलीफ सबको हुए, आप भी देखोगे ना तो पता चल जाएगी कि यंग एज में जैसी मेमोरी शार्प रहे है, बुढ़ापा में जाते जाते वो फुग्गा सारो ज्ञान जमा रह जाए और मन में फांका रह जाए कि हमने ये पढ़े हो, ये दीदी हो, ये जाने हो, पर वो बात जा वक्त बाहर निकालने की हो, बात बन तो ही कुछ वचन निकले, वो वचन ही नहीं निकले, या तो निकले ही नहीं, भुला जाए। तो ज्ञान है अपने में, अनित्य ज्ञान है, औपाधिक ज्ञान है, पुस्तक पढ़ने के कारण आया भयो, पर वो न तो नित्य है न स्वाभाविक ज्ञान है। ऐसे ही वैराग्य भी जो है, वाकई भी अपनी यही कथा है कि अपने को स्मशान में तुरंत वैराग्य आ जाए, पर घर आके पाछे वो वैराग्य कैंसल हो जाए। स्मशान में जाए तो लगे क्या सब क्षण भंग हो गया, शाश्वत रहने वालों नहीं है। घर में आके आवे कोई वैराग्य, कोई भी नहीं आवे। तो ये अपनो ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य सब या तरीके से अनित्य है और औपाधिक है। और वाक्य कॉरेस्पॉन्डेंस में देखो कि अनिश्वर होने के कारण अपने को क्रोध पैदा हो गया। यदि अपन ईश्वर हो तो क्रोध करने की जरूरत ही क्या है, ईश्वर हो तो ऐश्वर्य करके स्विच ऑफ कर देना। अपनी क्या तकलीफ है कि अपन जो अपनी अनटुवर्ड अपने सामने सिचुएशन क्रिएट भाई वहां पे अपना ऐश्वर्य चले नहीं, फिर अपन क्या करें, क्रोध करें। तो अनिश्वर के कारण अपने क्रोध हो जाए, वीर हो तो आपको मद करने की जरूरत ही नहीं रहे, क्योंकि मद की क्या जरूरत है। जो वीर है वो तो वीरता करेगा कि मद करेगा, मद कर रहे हो मतलब क्या, बोल तो नहीं हो एक पण शब्द नहीं, जोइलेश तो नहीं, जोइलेश जोइलेश जोइलेश। अरे तू जोचे यार, जवान हो तो हमणा केम नहीं जोतो, ऐसा सब मत दिखावे, जोइलेश 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 के भागे छे क्या, सामने उभो रहे ना, सामने उभो ना रहे। बंगाली में भी ऐसे कहे, ए बार बोले से बोले, एकन बोलबे तो माथा भांगी देबे, हो ए बार बोले से बोले, अब एक बार बोले तो माथा भांगी देबे, अरे भाई को माथा भांगी देबे, कुछ माथा नहीं भांगे, माथा भांगतो है तो बाप काय कर रहे हो। ऐसे वीर नहीं होने के कारण बहुत सारे मद पैदा हो जाए, वह तो मूल कारण क्या कि वो अपनो डिफेंस मैकेनिज्म है, तो थोड़ा गुर्रा के थोड़ा खोखो करके डरा दे डर जाते हो तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये सब अपने डिफेंस मैकेनिज्म है वीर नहीं होने के कारण, आई बात चल रही है। और अपन अयशस्वी हैं करके अपने को मात्सर्य हो गए, कोई पे जलन अपने को क्यों हो गए, अपने खुद को यश हो गए उनको चैलेंज करने की जरूरत नहीं, जाको जो प्रमोशन होते हो अपने आप में क्या बिगड़े हो। इतिलायम प्रदत्तायम नमे दैयति किंचन, कुछ नहीं। मैंने माने कहिए ना, मैंने पहले भी एक बार आपको सुनाया तो कि सर्वस्वम हरति ह कुंतलपतिर गृह्णातु किंतेन मे भाण्डागारम अखंडितम पुनरिदम जागर्ति सारस्वतम रे क्षुद्रास्त्यजत प्रमोद मधुना यश्यन्ति मन मंदिरम हेलांदोलित कर्ण ताल करटि स्कंधादिरूढ़श्रिय। कुंतल ये कोल्हापुर और ये सब एरिया में कुंतल राजा बोलते थे। तो कुंतल राजा ने अपने राज्य पंडित पे गुस्सा होके वाको सब प्रॉपर्टी सीज कर ली। जो लोग जल्लू बल्लू होते वो हंसने लगे कि बड़े राज पंडित बने थे। तो वापे वह राज पंडित ने यह श्लोक कहो कि सर्वस्वम हरति ह कुंतलपति गृह्णातु, ले जाए किंतु मेरे को क्या फर्क पड़े हो, भांडागारम अखंडितम, अखंडित भांडागार सारस्वत मेरे खोपड़ी में जब तक जमा है, आई कह रहे हैं भांडागार अखंडितम पुनरिदम जागृति सारस्वतम रे क्षुद्रास्त्यजत प्रमोद मदना। अरे क्या हंस रहे हो, देखो सामने से लक्ष्मी आ रही है मेरे दंडवत करने। यश्यंति मन मंदिरम हेलांदोलित कर्ण ताल करटिस, हाथी पे सवार होके लक्ष्मी आ रही है मेरे पास, यानी ले लियो वहां सवार रही है, फर्क क्या पड़े हो। तो जहां में खुद में कॉन्फिडेंस है ना वहां ये सब प्रॉब्लम नहीं हो है।
जहां में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वाकु ये सब भारी प्रॉब्लम हो जाए करके जो है वो मात्सर्य वाकु होवे है। जहां में सेल्फ कॉन्फिडेंस है वाकु मात्सर्य होवे नहीं है। जो अश्रीक है वाकु लोभ होवे है। जो श्रीवान है तो लोभ की क्या जरूरत है। ऐसे ही जो अज्ञानी है वाकु मोह होवे है। जो खुद जान रहे हो वाकु मोह होने की जरूरत ही क्या। मैं क्या बोलते के एक फोटो सिम्मो बनाया तो और वो पांडुरंग शास्त्री जी सब बच्चान के ले गए थे। तो वो क्या हो कि पांडुरंग शास्त्री जी ने बच्चान के सामने एक डेमोंस्ट्रेशन दियो कि देखो मैं सिम्मो पे बैठ के बता रहे हूँ। और वो फिर सिम पे बैठा ही ऐसे ही सिम्मो गर्जियो तो सब बच्चाएं डर के भाग गए। फिर पांडुरंग शास्त्री ने कही देखो तुम डरो मत, स्वाध्याय करो तो तुम भी सिम पे बैठ सकोगे। तो बच्चे एक मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे और मैंने कहा तेरे को क्यों नहीं डर लगे। बोले मारा पप्पा है तेरेज करी तू एटले मने बीगने लगी बीजा बधा डब पी भी गया। अच्छा अच्छा तो मोह कब पैदा हुए। मोह पैदा कब हुए तो वह रहस्य को जानकर नहीं हुए। सब बच्चे बेचारे बोले बोले उन्हें देखो कि ओ स्वाध्याय करने के कारण साक्षात शेर पे बैठ गए दादा। वो बच्चा को रहस्य पता है क्योंकि वो तो फोटो शेयर है तो खाली आम करके फोटो बोलते हो। तो बाद में मैंने तने के बिकने लगे हमारा पप्पा है तेरे चले तो जितनो मोह पैदा हुए है वो क्या नहीं पैदा हुए है। तो जहाँ वक्त आदमी जान जाए तो अब वक्त सारे मोह निरस्त हो जाए। और जो अविराग है वह के कारण काम पैदा हुआ है। तो अपन देख सके हैं कि ये सारो जो सेटअप है याकू प्रभु ने वरण कियो है अपनो पुष्टि जीव तरी के कि भाई तू ते जा हाल में है वह हाल में तू मेरे लिए है। वो वह हाल में तू मेरे लिए है वो पुष्टि जीव तरी के जो वरण कियो है वो ही कृष्णार्थी हो सके है। जाको पुष्टि जीव तरी के प्रभु ने वरण नहीं कियो हो वो कृष्णार्थी हो नहीं सके। और कृष्णार्थी होने को मतलब है पाछो दो, या तो वो कृष्ण भक्त होएगो या कृष्ण माने कृष्ण भक्त होएगो। तो कृष्ण भक्त को पाछो दो मतलब है कृष्ण महात्म्य को जानने वालों और कृष्ण को स्नेह करने वालों। ये कृष्ण को महात्म्य को जानने वालों जो कृष्ण के शरणागत होवे है यहाँ मरकट न्याय नहीं होके मार जा वो मार नहीं यहाँ मरकट न्याय हो ये मरकटन न्याय न मार्जन न्याय नहीं। मरकट का दे मरकटन न्याय न वो शरणागत हो रहे है। मरकट न्याय को शरणागत को मतलब क्या कि बंदर को बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रखे है इतना पकड़ के रखे कि भाई एक छपरा पे से दूसरे छपरा पे जा वक्त माँ कूदे तो बंदर को बच्चा गिरे नहीं। वहां में बंदर की जो माँ है वो कोई एफर्ट नहीं करे सारो एफर्ट वह बच्चा को है। सो ये जो शरणागति है कृष्ण की शरणागति वहां में आपके एफर्ट की जरूरत है बेस्ड ऑन भावाद्वैत। मेरी बात समझ में आ रही है। भावाद्वैत पे बेस्ड आपके एफर्ट की जरूरत है। कृष्ण को जो स्नेह है महात्म्य के बाद कृष्ण के प्रति स्नेह है वह स्नेह को जो समर्पण है वो भी मरकटन न्यायसु है वो मार्जार न्यायसु नहीं है। आपको समर्पण करना पड़ेगा। वो परमात्मा के लेवल पे वो माजारी न्याय सुहतो पर जहां कृष्ण पार्टी बने हो ना वह वक्त आपको अपने भीतर मरकटन न्याय सु समर्पित होना पड़ेगा। और जो कृष्ण सेवक है वो कैसा है आत्मात्मीय तनुवित्ताभ्याम परिवार स्वी यहा पराभ्याम सर्वा सर्वात्म भाव माने सबसे पहले वो कृष्ण सेवक है तो सेवा कैसे करेगो अपने आत्मा द्रव्य सु और आत्मीय द्रव्य सु सेवा करेगो। आत्म द्रव्य और आत्मीय द्रव्य खुद स्व और स्वीय सु सेवा करेगो। वह स्व और स्वी को आउटर एक्सप्रेशन बनेगो तनु और वित्त और वह तनु और वित्त को एक्सटेंशन होएगो परिवार और स्वी
और वो परिवार और स्वी पाछो जैसे जैसे अपन ने वहां को प्रैक्टिस करी साधना सु वो यह पर या लोक परलोक लोका लोको वेद वहां तक वो जाएगा। ब्रह्म संबंध मंत्र याद करो, वित्तेहा पराणि, तो यह पराणि वो लोका लोको वेद वो इसे या लोक तक अपने आप को कंफाइन नहीं रखे है, वो लोक और अलोक दोनों के बारे में अपनी अवेयरनेस जगा के रखे है। जब वो या तरीके की अपने स्व को पहचान सके और अपने आप को ऐसा वो पहचान सके तब वहां में सर्वात्म भाव खिलेगो कॉरेस्पॉन्डिंग टू भावाद्वैत। मूल में अपने स्व की पहचान ये है, ये स्व को अपन पहचान सके तो फिर धर्म को प्रसंग आएगा, वो अपन कल देखेंगे, आज को यहाँ रखें। नहीं कुछ समझ में आयो तो आपको पूछने की इच्छा हो तो पूछ सको, पर अभी पूछोगे तो और डिले हो जाएगा। सिर्फ एक संक्षेप में खुलासा कर लो, कोई एक ने ये प्रश्न कियो है कि याज्ञवल्क ने दान बतायो है, सो दान बतायो है, प्रश्न पूछने वाले हैं कि नहीं? कोई गीता गीता बहन ने प्रश्न किया है, छे कौन से गीता बहन? अच्छा, थैंक यू। तो जो बात आपने पूछी है कि दान बतायो है तो महाराज मांगे तो दान देना नहीं, ऐसा कैसे हो सके? पर एक बात ध्यान से समझो कि मांगे तो जो दियो जाए वो दान नहीं है, भीख है, और बिना मांगे दियो जाए वो आपको नाम दान है।